गाजा में करीब 8 महीने से जारी जंग को खत्म करने के लिए इसराइल ने हमास को नया प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक शांति प्रस्ताव को कतर के जरिए हमास को भिजवा दिया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि शांति प्रस्ताव में युद्ध विराम, इसराइली बंधकों की रिहाई और गाजा के रिहायशी इलाकों का पुनर्निर्माण शामिल है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हर कोई जो शांति चाहता है उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इस जंग को खत्म कर दिया जाए। राष्ट्रपति बाइडेन ने दोनों पक्षों के नेताओं से इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है। राष्ट्रपति बाइडेन के मुताबिक इस शांति प्रस्ताव के पहले चरण में 6 हफ्तों का सीजफायर शामिल है, जिस दौरान इसराइल और हमास 7 अक्टूबर के हमले के बाद से शुरू हुई जंग को खत्म करने पर चर्चा करेंगे। स्थायी संघर्ष विराम और सभी बंधकों की रिहाई का एक रोड मैप है। शांति प्रस्ताव कतर ने हमास को भेज दिया है। इस नए प्रस्ताव के 3 चरण हैं। पहले चरण में 6 सप्ताह के लिए सीजफायर लागू किया जाएगा। इस दौरान इजरायली सैनिक गाजा के आबादी वाले इलाके से हट जाएंगे और फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में हमास बुजुर्ग और महिला इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। दूसरे चरण में हमास और इजरायल टकराव को हमेशा के लिए ख़त्म करने को लेकर बातचीत करेंगे। वार्ता जारी रहने तक सीजफायर भी लागू रहेगा। तीसरे चरण में गाजा का पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। इससे पहले हमास ने भी इसराइल को शांति प्रस्ताव दिया था, जिसे इसराइल ने मानने से इनकार कर दिया था। हमास के प्रस्ताव में इसराइली सैनिकों की गाजा से तुरंत वापसी के बदले बंधकों को छोड़ने की बात कही गई थी। गाजा में संघर्ष विराम के लिए मिस्र में बातचीत भी हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में शांति प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि हमास पूर्ण संघर्ष विराम की मांग कर रहा था। हमास चाहता था कि स्थायी संघर्ष विराम के साथ गाजा में युद्ध पूरी तरह समाप्त हो और इजरायली बल वापस लौट जाए। वहीं इजराइल कुछ वक्त के लिए लड़ाई रोकने पर जोर दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।